everyone, welcome back to my channel. This is Preeksha. So रक्षा बंधन is around the corner. That's why मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 5 different and easy hairstyles for रक्षा बंधन. इनको आप किसी भी इंडियन वेयर के साथ कर सकते हो. These are very easy and quick to do, at the same time very beautiful, and ये perfect है for medium to long hair. So let's try these hairstyles. For the hairstyle number 1, आपको मिडल पार्टीशन करना है. उसके बाद आप स्ट्रेंड्स निकाल लीजिए फ्रॉम फ्रंट टू एनहांस योर फेस. को दोनों साइड से इस तरीके से इतना सेक्शन निकालने हैं एंड उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको रेगुलर ब्रेड बना लेनी है ऑल द वे डाउन. सेम थिंग आपको अदर साइड भी करना है. नाउ हमने दोनों ब्रेड्स बना ली हैं. नाउ फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड हमें इतना बड़ा सेक्शन लेना है और उसको भी अच्छे से टाई कर लेनी है एंड एक पोनीटेल बना लेना है लाइक दिस. मेक श्योर आप इसको टाइटली टाई करो. नाउ दोनों ब्रेड्स लेना है, उनको भी ज्वाइन कर लेना है एंड आपके हेयर कलर से मैचिंग रबर बैंड आपको यूज करना है. नाउ आपको ब्रेड्स लेना है एंड उनको ट्विस्ट कर देना है एक बार एंड उसके बाद जो हमने पहले पोनीटेल बनाई थी उसको इसके अंदर से निकाल लेना है एंड दैट्स इट. अच्छे से आप उसको टाई कर लीजिए एंड जो एक्स्ट्रा ब्रेड्स हैं उनको आपको रिमूव कर देना है एंड दैट्स इट. हमारा हेयर स्टाइल तैयार हो चुकी है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, एट द सेम टाइम वेरी इजी टू डू. ये हेयर स्टाइल देखने में तो टफ लगती है बट इट इज वेरी इजी टू डू एंड आप इसको कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो. दिस विल लुक ब्यूटीफुल. फॉर द हेयर स्टाइल नंबर 2 आपको साइड पार्टीशन करना है. अगर आपको मिडल पार्टीशन अच्छा लगता है तो आप वैसा भी कर सकते हो बट इस हेयर स्टाइल के लिए साइड पार्टीशन ज्यादा अच्छा रहेगा. साइड पार्टीशन करने के बाद मैं राइट साइड से इस तरीके से अपने हेयर को डिवाइड कर रही हूँ. एक बड़ा सा सेक्शन अपने ईयर के पीछे से आपको लेना है. उसके बाद यहाँ पर मैं डच ब्रेड तैयार करूंगी. तो अगर आपको डच ब्रेड नहीं पता कैसे बनाना है तो आप मेरा डच ब्रेड का ट्यूटोरियल देख सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वैसे चेक कर लीजिए. एंड इस तरीके से आपको रेगुलर ब्रेड बना लेनी है टिल दी एंड एंड आप उसको पुल कर लीजिए तो गिव द डेफिनेशन एंड वॉल्यूम टू योर हेयर. नाउ आप इस ब्रेड को लेके जाइए एंड लेफ्ट साइड आप इसको टाई कर लीजिए एंड एक साइड पोनीटेल बना लीजिए एंड उसके बाद आप अपने हेयर में थोड़ा से फ्लेक्स निकाल लीजिए टू शेप योर फेस फ्रॉम फ्रंट एंड आप उस ब्रेड को लीजिए एंड उस पोनीटेल के आजू बाजू आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एंड ट्विस्ट करके एंड दैट्स इट. आपकी हेयर स्टाइल तैयार है. ये कितनी प्यारी सी पोनीटेल सॉर्ट ऑफ ब्रेड बन चुकी है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आप देख सकते हैं डच ब्रेड की वजह से ये पीछे से भी कितनी प्यारी लग रही है. अगर आप कोई पटियाला सूट पहन रहे हो या कुर्ती पहन रहे हो तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छी हेयर स्टाइल रहेगी एंड आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए. फॉर द हेयर स्टाइल नंबर 3 में आप मिडल पार्टिंग कर रही हूँ एंड थोड़े से फ्लिक्स निकाल रही हूँ फ्रॉम फ्रंट ऑफ माई फेस एंड फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड आपको इस तरीके से हेयर लेने हैं एंड उनको ट्विस्ट कर लीजिए अपवर्ड मोशन में एंड उनको पिन कर लीजिए विद अ बॉबी पिन. दोनों साइड से आपको इस तरीके से करना है. ट्विस्ट करिए इन अपवर्ड मोशन एंड पिन कर लीजिए एंड दैट्स इट. दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी हेयर स्टाइल. जो शॉर्ट हेयर वाले हैं वो भी कर सकते हैं, लॉन्ग एंड मीडियम हेयर वाले भी कर सकते हो. ये हेयर स्टाइल आपके फेस को फ्रेम करने के लिए है, आपको वॉल्यूम देगी एंड लुक्स very beautiful. फॉर द हेयर स्टाइल नंबर 4 यहाँ पर मैं साइड पार्टीशन कर रही हूँ एंड हमारा जो हेयर का बिग सेक्शन है उस साइड से आपको हेयर को ट्विस्ट करना है. एक एक बार आप हेयर लेते जाइए एंड उसको अपने फेस से बैकवर्ड मोशन में करते जाइए लाइक दिस एंड ट्विस्ट करते करते आपको दूसरे साइड तक आना है, यानी कि राइट साइड तक आ चुकी हूँ एंड उसके बाद आपको इन हेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बट मेक श्योर उसको आप टाइटली पकड़े रहो जिससे कि वो लूज ना हो आपकी ब्रेड. तो इस तरीके से आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं रेगुलर जो हम नॉर्मली ब्रेड बनाते हैं वो ब्रेड आपको बना लेनी है. आपको उसको हाफ वे तक करना है. उसके बाद हम यहाँ पर फिश टेल ब्रेड करेंगे. ये मैं पंजाबी सॉर्ट ऑफ लुक दे रही हूँ. आप इसको कुर्ती में भी कर सकते हो, पंजाबी सूट या कोई भी सूट पे आप कर सकते हो, कोई भी इंडियन वेयर में कर सकते हो. दिस हेयर स्टाइल विल लुक ब्यूटीफुल ऑन यू एंड अगर आप चाहते हो तो आप पूरी फिश टेल ब्रेड बना सकते हो या पूरी नॉर्मल ब्रेड भी बना सकते हो. यहाँ पर अब मैं फिश टेल ब्रेड स्टार्ट कर रही हूँ. सो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने ब्रेड को एंड एक साइड से आपको दूसरे साइड तक स्मॉल स्मॉल सेक्शन करके अपने हेयर को लेके जाना है. इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी बहुत अच्छी फेशियल ब्रेड बनेगी एंड उसके बाद आप इसको टाई कर लीजिए. थोड़ी सी अपनी ब्रेड को पुल कर लीजिए टू मेक इट मैसियर एंड थिकर एंड इस तरीके से आपकी ब्रेड एंड आपकी हेयर स्टाइल तैयार हो चुकी है. दिस इज माय फेवरेट हेयर स्टाइल जो बहुत अच्छी लगती है एंड मेरी लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग हेयर के हिसाब से मुझे ब्रेड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल ऑन माई फेस. तो आप लोग भी ट्राई करिए एंड डू लेट मी नो विच हेयर स्टाइल यू लाइक द मोस्ट इन दिस वीडियो. और द हेयर स्टाइल नंबर 5, यहाँ पर मैं मिडिल पार्टीशन कर रही हूँ एंड फ्रंट से थोड़े से हेयर निकाल रही हूँ टू फ्रेम माय फेस। उसके बाद आपको सारे हेयर लेना है एंड पीछे लेके जाना है एंड लो पोनीटेल में उनको टाई कर लीजिए। मेक श्योर आपकी पोनीटेल अच्छे से टाई हो गई हो। नाउ रबर बैंड के ऊपर आपको एक होल बनाना है एंड अपने हेयर को वहाँ से निकालना है लाइक दिस। एंड आप एक छोटा सा बन भी बना सकते हो एंड जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको जो लेफ़्ट ओवर हेयर है उनको ट्विस्ट करके आप एक रोप ब्रेड बना लीजिए या आप एक नॉर्मल ब्रेड भी बना सकते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑल द वे डाउन। एंड मैंने रोप ब्रेड बना लिया एंड उसको थोड़ा सा पुल कर लिया है टू गिव इट अ मैसियर लुक। नाउ टू हाइड द इलास्टिक बैंड, जो मैं रोप ब्रेड बनाई है उसको इलास्टिक बैंड के ऊपर से इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। इससे आपका बन को भी डेफिनेशन मिलेगी एंड आपके हेयर बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। एंड उसके बाद आप बॉबी पिन की हेल्प से इनको पिन कर लीजिए एंड दैट्स इट। इस हेयर स्टाइल को आप साड़ी के ऊपर कर सकते हो। दिस विल लुक गॉर्जियस ऑन यू एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।